तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरि नंदन तिहु जगवंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट का समय है केसरी नंदन, शीघ्रता करें, सुदूर दक्षिण की ओर जाएं। आप निश्चिंत रहे राक्षेंद्र, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ। अवश्य ही उस मायावी ने कोई माया लोक बना के रखा है। देखता हूँ कि ये मायावी गुफा कहाँ तक जाती है। ठहरो, कौन हो तुम? भले ही मुझे मेरे प्राणों की आहुति देना पड़े किंतु जब तक मैं जीवित हूँ आपको मार्ग नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ मकरध्वज, मेरा मार्ग छोड़ दो। बस एक ही उपाय है पिताश्री, आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। यदि आप मुझे परास्त कर दें या मेरा वध कर दें तो आप निर्विघ्न जा सकते हैं। पुनः सामना कर मैं निहत्तों पे वार नहीं करता। आ जाओ मल युद्ध करते हैं। पिताश्री, पिताश्री क्या कर रहे हैं पिताश्री? मुझे मुक्त कीजिए पिताश्री। पिताश्री आप मुझे ऐसे नहीं बांध सकते, मुझे मुक्त कीजिए। तुम्हारा अद्भुत युद्ध प्रदर्शन देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे ही पुत्र। मैं तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता किंतु मैं तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। अब तुम मेरे बंदी हो।
जय महाकाली, 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 जय महाकाली। ये भीड़ कहाँ जा रही है? सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्या कोई उत्सव है यहाँ? द्वारपाल होकर तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि अभी दो राजकुमारों की बलि दी जाने वाली है? ओ, कौन है वो दो कुमार? क्या उनकी बलि से देवी प्रसन्न हो जाएगी? अयोध्या के राजकुमार हैं दो, किंतु तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चलो जाकर अपना कार्य करो, और हाँ, प्रसाद लेने के लिए अवश्य आ जाना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। यहाँ तो बलि का आयोजन हो रहा है, न जाने कितने असुरों का वध करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि यही रावण का वध करके स्वामी और सौमित्र को मुक्त करा लूंगा, अब क्या करूं? घड़ा मुझे दे दो, मैं लेके जा। संकट मोचन जय हनुमान। पुनः सोच लो रघुवंशियों, ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। पतालोक परंपरा के अनुसार हम मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। संपूर्ण हुई, प्रणाम करें। महाराज अहिरावण, महाराज महिरावण, देवी प्रसन्न है। आप लोग संकल्प करें कि आज पूनम की रात आप दो कुमारों की बलि देवी को अर्पित करें। अब क्या करूं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इतनी भीड़ में युद्ध करना भी उचित नहीं है, न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। अब आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु, आप तो इस संसार के रक्षक हैं, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? मैं जानता हूं प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, किंतु प्रभु ये आपका संकट नहीं, मेरी परीक्षा है।
किंतु इस परीक्षा के लिए आपको ही मुझे निर्देश देना होगा। महाराज, संकल्प के लिए अक्षत ग्रहण करें। संकल्प करें महाराज। हम पातालपति संकल्प लेते हैं कि आज पूनम की रात दो कुमारों की बलि देवी को अर्पित करेंगे। प्रणाम करें हे देवी, इनके संकल्प को पूर्ण करें। प्रसाद लाओ। देवी प्रसन्न है महाराज अहिरावण? हाँ आचार्य, मैंने भी देवी को पहली बार इतना प्रसन्न देखा है। महाराज अहिरावण, देवी प्रसन्न है, बलि के लिए कुमारों को बुलवाया जाए। अवश्य आचार्य, जाओ उन दोनों कुमारों को बलि के लिए उपस्थित करो। जाओ। देवी चंडिका की जय। देवी चंडिका की जय। देवी चंडिका की जय। देवी चंडिका की जय। जय देवी माता। महाराज, अब बलि के लिए विलंब ना करें। अयोध्या कुमारों, देवी के समक्ष तुम दोनों की बलि के पूर्व हम विधि विधान के अनुसार तुम दोनों की अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं। प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। भैया, यदि आपका आदेश हो तो मैं भी इसे अपनी अंतिम इच्छा बता देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, ये क्रोध करने का समय नहीं। भैया, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं धैर्य भी नहीं रख सकता हूँ। मैं भी इस दुष्ट को शांत। बलि की वेदी पर गुप्त वार्ता की अनुमति नहीं है। हम तुमसे अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं, तुम्हें जो कुछ कहना है हमसे कहो। पतालपति, हमारी कोई इच्छा शेष नहीं है। पुनः सोच लो रघुवंशियों, ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। पातालोक परंपरा के अनुसार हम मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। बस लक्ष्मण, बहुत हो गया सब प्रपंच। जीवन के अंतिम समय में ऐसी वार्ता का कुछ अर्थ नहीं। देवी तुम दोनों की बलि के लिए तैयार है? संकट मोचन जय हनुमान। कहो, निसंकोच कहो। पाताल नरेश, तुम्हें हमसे बार बार हमारी अंतिम इच्छा पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है।
बड़े क्रोधी हो रघुवंशी, बड़े क्रोधी हो। मरने के पूर्व इतना क्रोध? ठीक है, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है तो फिर अपने सबसे प्रिय का स्मरण कर लो और यह मौन का स्मरण करना कि अब अपने प्रिय से कभी मिल नहीं सकोगे। हमारा प्रिय सदैव हमारे साथ होता है अहिरावन, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण हर स्थिति में वो हमारे साथ रहता है। हमें उसका स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमें कभी नहीं भुला सकता और ना ही हम उसे कभी भुला सकते हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता प्रभु, अवश्य ही आप अपने प्रिय की परीक्षा ले रहे हैं। हम तुम्हारे प्रिय का नाम जानना चाहते हैं, बोलो। उनका नाम हनुमान है। पवन कुमार हनुमान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। क्या कहा? हनुमान? वो वानर? वो हनुमान? एक मानव वंशी का प्रिय एक वानर? आश्चर्य है। तुम क्यों शांत हो लक्ष्मण? तुम भी अपने सबसे प्रिय को स्मरण कर लो। हमें अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। यदि किसी का स्मरण करना है तो तुम कर लो अहिरावन। बस लक्ष्मण, बस, बहुत हो गया ऐसा प्रपंच। जीवन के अंतिम समय में ऐसी वार्ता का कुछ अर्थ नहीं। देवी तुम दोनों की बलि के लिए तैयार है? संकट मोचन जय हनुमान। अहंकार में तू सत्य की पहचान करना भूल गया है लंकेश, किंतु मैं नहीं भूली। मेरे पति आएंगे, अवश्य आएंगे, किंतु ये देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। ठीक है। संकट मोचन जय हनुमान। सुना तुमने सीते? लंकेश के विजय की सूचना सुनाई दे रही है ना तुम्हें? व्यर्थ है तुम्हारी ये प्रतीक्षा, तुम्हारे पति दर्शन की कामना व्यर्थ है। परंतु हमारे पुत्र मेघनाथ की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सहस्त्रों रक्ष सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे कहने का आशय समझ रही हो ना तुम सीते? समझ गई। तुम मुझे किसी मायावी चमत्कार की सूचना देने आए हो, ये बताने आए हो
पति का अंत कर दिया है। यही बताना चाहता हूँ परंतु तुम्हें विश्वास नहीं होगा। स्वयं अपनी आंखों से अपने पति का मृत शरीर देखना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ और जाकर उन वनवासियों के शिविर में अपने पति का मृत शरीर अपनी आंखों से देखो और शिविर तक जाने का प्रबंध मैं स्वयं कर देता हूँ। जिसे मैं स्वयं जानती हूँ उनके बारे में किसी से पूछने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लंकेश, मेरे पति को कुछ होगा तो उसकी पहली सूचना मेरा हृदय मुझे देगा। मेरी आत्मा मुझे देगी। भावनाओं से सत्य बदला नहीं करते सीते। हमारी भावना कहती है कि हमारा पुत्र इंद्रजीत मेघनाद अभी जीवित है, तो क्या वो जीवित हो जाएगा? हाँ, तो क्या वो जीवित हो जाएगा? अहंकार में तू सत्य की पहचान करना भूल गया है लंकेश, किंतु मैं नहीं भूली। मेरे पति आएंगे, अवश्य आएंगे, किंतु ये देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। क्या वचन लेना चाहती हैं आप? आपके स्वामी श्री राम पतित पावन है, जगत का उद्धार करने वाले हैं। आपको श्री राम से मेरा विवाह कराना होगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Shut it up.